लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व है। चुनाव आयोग के नियम भी कहते हैं कि एक भी मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र के इस मूल भावना के अनुरूप हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की सबसे दुर्गम पंचायत बड़ा बंगाल में वर्तमान में रह रहे 17 लोगों को पंचायत चुनावों में मतदान की सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन एडवांस में पोलिंग पार्टी रवाना करेगी। डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने इसकी पुष्टि की है। करीब 7,700 फीट की ऊंचाई पर पीर पंचाल और धौलाधार पर्वतमाला के बीच बसे बैजनाथ उपमंडल के गांव बड़ा बंगाल के अधिकतर लोग सर्दियों के मौसम में अमूनन नवंबर से मई माह तक 80 किलोमीटर दूर गांव भीड़ में बनाए अपने आशियानों में रहने आते हैं। इस दौरान अति बुजुर्ग लोग और उनकी देखभाल के लिए चंद परिजन ही गांव में रह जाते हैं। सर्दियों में पंचायत का कार्यकाल भी भीड़ से ही चलता है। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 627 की कुल आबादी वाली बड़ा बंगाल पंचायत में कुल 439 मतदाता है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 227 व 212 महिला मतदाता शामिल है। पंचायत में कुल 5 वार्ड है और इस बार प्रधान का पद अनारक्षित है। प्रशासन ने बड़ा बंगाल पंचायत के चुनाव के लिए भीड़ में अलग मतदान केंद्र स्थापित किया है। वर्तमान में भीड़ में निवास कर रहे लोगों को वहां स्थापित पोलिंग बूथ में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन बड़ा बंगाल में रुके 17 लोग चाहकर भी वोट देने के लिए 80 किलोमीटर का पैदल सफर कर भीड़ नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद 4,654 मीटर ऊंचा थमसर पास बंद हो चुका है, या फिर उन्हें 300 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर चंबा के रास्ते से पहुंचना होगा। जिलाधीश कांगड़ा एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासन द्वारा एक पोलिंग बूथ बड़ा बंगाल में स्थापित किया जाएगा, जबकि एक पोलिंग बूथ भीड़ बिलिंग में स्थापित किया जाएगा, ताकि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में राज्य चुनाव आयोग को लिखा गया है कि जिला प्रशासन को एक चौपर उपलब्ध करवाया जाए, ताकि पोलिंग पार्टियों को चुनावों से पूर्व बड़ा बंगाल रवाना किया जा सके। और देखिए, हम लोग हर बार जब इलेक्शन होता है प्रयास करते हैं कि बड़ा बंगाल में हमारा एक जो स्टेशन है, एक बूथ है, वो एस्टेब्लिश किया जा सके। और एक नीचे हम एस्टेब्लिश करते हैं भीड़ में, जहां पर मैक्सिमम लोग जो हैं बड़ा बंगाल के वोट डालते हैं। पिछली बार लगभग 80 के आसपास लोग भीड़ में अपना वोट का मताधिकार का प्रयोग किया था, और बड़ा बंगाल में उस टाइम पर लगभग 15 लोग थे जो वोट देने से वंचित रह गए थे। इस बार प्रयास है, हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है कि चॉपर हमें मुहैया करवाया जाए, ताकि हम एडिशनल जो हमारे जो पार्टीज़ हैं, पोलिंग पार्टीज़ हैं, उनको एडवांस में हम वहाँ पर भेज सकें। और हमारी कोशिश रहेगी जो भी 2 दर्जन लोग वहाँ पर हैं, वो लोग अपना वोट वहाँ पर डाल सकें, और जो अधिकांश लोग जो भीड़ तक आ जाते हैं, भीड़ में अपना मत का प्रयोग कर सकें।